नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आई हुई हैं। आज क्लोज टू 5% का लोअर सर्किट, आप इसको कह सकते हो 5% नीचे आज यस बैंक क्लोजिंग दिया है। 15 रुपए का बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल आ चुका है। क्या बन रहे हैं यहाँ पर संकेत, वो एक्सप्लेन करेंगे। कुछ क्वेरीज को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, हम अभी यहाँ पर बोल रहे हैं क्वेरीज, पहले हम क्वेरीज लेते थे वीडियो में, लेकिन वो उसके कारण वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेरीज किस तरीके की है मैं वो आपको समझा देता हूँ। देखिए, बहुत से लोगों की क्वेरी इस तरीके की आई हैं, सर हमारा बाइंग लेवल 14.5 रुपये है, 15 रुपये है, 15.50 रुपये है, अब हम क्या करें, हम तो बहुत बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन लगा कर बैठे थे, वापस हमारा रेट आ गया। अब इस सिचुएशन में आपके सामने दो चारे होते हैं, पहली चीज़ आप एग्जिट कर जाओ, दूसरी चीज़ आप एवरेज कर जाओ। ये दोनों के क्या ऑप्शन हैं आपके पास इस वक्त, मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया हुआ था। होल्ड जो आपको करने को बोल रहा है इस समय वो आपका हितैषी नहीं हो सकता। एक बार के लिए आपको कोई एक बंदा गलती करवा देता है बाई करवा कर, लेकिन उससे भी बड़ी गलती पता है कौन करवाते हैं, होल्ड करवा कर। होल्ड करने वालों को मैंने कितनी अच्छी से सुनाई थी, वो वीडियो ज़रूर देखना जिसमें मैंने कहा था यस बैंक को होल्ड करिए, वो वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। और यहाँ पर दो गाने मुझे याद आते हैं। पहला गाना तो मैं आपको अक्सर सुनाता रहता हूँ, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊँ, एक अपर सर्किट, दो अपर सर्किट, तीन अपर सर्किट, और कुछ ऐसा कमाल कर दिया यस बैंक ने कि बहुत से लोग उसके हो गए। कारण समझाएंगे, वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे। और दूसरा गाना याद आता है जो लोग होल्ड करने को बोलते हैं, ये तो उनके लिए गाना था जो लोग आपको बाई करने के लिए बोलते हैं गलत जगह पे, जैसे कि यहाँ। और दूसरे तरीके के लोग कौन से हैं, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ये दो गाने आपको याद रखने। बाजार में गिर गए हो भाई, 5% का लॉस दे रहे हो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 10% का लॉस दे रहे हो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 15 दे रहे हो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, 20 दे रहे हो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, अभी 25 दे रहे हो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। लेकिन आप एक बात बताइए, आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या था यहाँ पर एग्जिट कर लेना, जब 5 का दे रहा था? उससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं था, मतलब उससे कम ही बेस्ट ये था, उससे कम बेस्ट ये है, उससे कम बेस्ट ये है, और उससे भी कम बेस्ट ये है। अगर आप यहाँ एग्जिट करने को सोच रहे हो, ये आपका वर्स्ट डिसीजन होगा, कम से कम पिछले 5 बार के मौके जब आप गंवा चुके हो एग्जिट करने के तब। लेकिन अब दूसरी कड़ी भी आ सकती है, क्या इससे भी नीचे जा सकता है? तो उसके लिए मैं एक क्लिप लगा रहा हूँ। मैंने जब यहाँ पर बेचने को बोला था, एक कारण मैंने आपको समझाया था, और मैंने एक कारण जो दिया था वो दिया था मार्केट कैप का कारण। और वहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि जब यस बैंक का मार्केट कैप 50,000 करोड़ से घट करके 35,000 करोड़ के नीचे आ जाएगा, उस वक्त मुझे इसका प्राइस एवरेज के सिनारियों में एवरेज प्राइस लगेगा। और ये मैंने क्यों कहा था, हो सकेगा मैं उसकी क्लिप लगा देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो बहुत से लोग कहते हो हवा हवाई बातें हो जाती हैं। चलिए मैं क्लिप लगा देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि आप वो वीडियो देख लो, 10-15 सेकंड की होगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ क्योंकि लार्ज कैप बन गया है। अब इस चक्कर में आपको लालच दिखाई जा रही है, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या जो स्टॉक FII DII खरीदते हैं वो भागता ही रहता है? क्या उस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती? क्या उस स्टॉक में ऐसा मोमेंटम आ सकता है कि वो अपना फंडामेंटल को बिल्कुल मतलब इग्नोर ही करता जाए? ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मैंने प्रॉफिट बुक किया है तो उसके पीछे एक कोर रीज़न है। मैंने आपको समझाया रीज़न कि यहाँ पर मुझे जो 50,000 करोड़ का मार्केट कैप यस बैंक का दिख रहा है वो बिल्कुल भी मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। मुझे यस बैंक का जो मार्केट कैप है वो 35,000 करोड़ के आसपास या उससे नीचे ही रहना चाहिए, तब मुझे वो एवरेज केस सिनारियो में, मतलब होता है ना कि ना तेरी ना मेरी वाला हाल हो जाता है, चलिए ना मुझे सस्ता चाहिए ना मुझे बहुत महंगा चाहिए, ना तेरा रेट ना मेरा रेट, मुझे ये वाला रेट चाहिए। अब यहाँ आने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना नीचे मिनिमम तो होगा जब मुझे वो महंगा नहीं लगेगा, उसके नीचे आएगा तो मुझे हो सकता है सस्ता लगने लगे, लेकिन उसके ऊपर मुझे महंगा ही लगेगा। तो चलिए, आप लोगों ने उस वीडियो को देख लिया, अभी समझिए 35,000 करोड़ के नीचे मार्केट कैप यस बैंक का कब आएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको दो बातें कहता हूँ। पहली चीज़, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढ लीजिए, कितने हैं यस बैंक के, कितने शेयर्स हैं, इन्वेस्टेड हो और इतना भी नहीं पता, 2,500 करोड़ शेयर्स, मतलब 2,500 करोड़ शेयर्स लिस्टेड हैं यस बैंक के बाजार में। और जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 30,000, यानी कि 30,000 करोड़। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से करोगे, तो 7,500 करोड़। अभी कितना मार्केट कैप बैठ रहा है यस बैंक का, 37,500 करोड़ रुपए का प्रेजेंट सिचुएशन में। और मैंने आपसे क्या कहा है, इस केस में मुझे एवरेज, मतलब फेयरली वैल्यू नहीं, मैं एवरेज के सिनारियो में इसको एक बार के लिए ले सकता हूँ करंट मार्केट सिचुएशन में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर यस बैंक बेचना नहीं बनता, कम से कम जो सिनारियो मुझे पसंद है मार्केट कैप के हिसाब से।
यहां पर बेचना बनता था, कारण मैंने समझाया था। वीडियो आपको मिल जाएगी, चैनल पे जाकर ढूंढिए किस दिन मैंने कहा था बेचने को। हेडलाइन में भी लिखा था भैया मैं आज बेच रहा हूँ, क्या आप बेचोगे? बाकी आप होल्ड करिए और गाना गाइए। कौन सा? मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। गाना बहुत अच्छा है, यूट्यूब पे जो लोग सर्च करके देखेंगे उनको मैं मना कर रहा हूँ, अभी मत देखना नहीं तो बहुत बुरा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 5% की गिरावट आई, 2-3 न्यूज आई, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 2 न्यूज़ थी, काफ़ी लोगों ने इस पे भी कोई सवाल पूछा कि क्या इस कारण यस बैंक गिर रहा है। तो न्यूज़ क्या थी? पहली चीज़, एक मतलब कहते हैं ना कि राणा कपूर, इसका नाम राणा कौन रख दिया, कुछ और नाम इसका रख देना था। इतना मतलब होता है ना कि एक होते हैं कि बेकार इंसान, एक होते हैं महाबेकार, एक होते हैं घटिया, एक होते हैं एकदम लात खाने वाले। एक ये उनसे भी नीचे गए गुजरे लोगों में से आते हैं जो शेयर होल्डर्स का पैसा बर्बाद कर दिए। भाई साहब, यस बैंक 400 रुपये पे ट्रेड करने वाला स्टॉक था, बर्बाद कर दिया। किस बंदे ने? इसी बंदे की लालच ने। इस बंदे मतलब इतना ऐसे लोगों के साथ ना, क्या कहा जाए, गाढ़ी कमाई लोगों की। यस बैंक में छोटे मोटे शेयर होल्डर्स नहीं, बड़े बड़े लोगों के पैसे जले हैं, लेकिन छोटे शेयर होल्डर का ज़्यादा इसलिए जला है क्योंकि 400 से जब स्टॉक 200 आ जाता है, 100 आ जाता है, वहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को फंसा दिया जाता है। और ये चीज़ यस बैंक के साथ साथ अन्य स्टॉक्स में भी हुई है, लेकिन यस बैंक में किसी एक को अगर हम जिम्मेदार ठहराना चाहें वो राणा कपूर रहेगा। खैर ये सिनारियो बाद में, अभी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको अच्छे से कुटाई इनकी की जाएगी। खैर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो जाए उनके साथ, बाकी जो हो रहा है होने दीजिए, इससे यस बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनसे यस बैंक को बिल्कुल अलग कर दिया है भारत सरकार ने। उनका ख्याल भारत सरकार रखेगी, उनको रखने दीजिए। और इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो तो कहोगे मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस कारण कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यस बैंक के शेयर प्राइस को, इसको आप बिल्कुल इग्नोर भी कर सकते हो, चाहो तो बिल्कुल कर दीजिए। इस न्यूज़ के लिए जी न्यूज़ को पूरा सवार। एक दूसरी न्यूज आई कि यस बैंक से रिलेटेड किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, 410 करोड़ के लोन का हेरा फेरी कर रहा था। तो इसकी खबर से, अगर ये खबर पॉजिटिव वे में जाती है यस बैंक के लिए पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ पर जो लोन का केस चल रहा है उस केस से यस बैंक को कुछ खास इससे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको भी आप एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हो। यानी कि यस बैंक जो इस वक्त चार्ट पर झेल रहा है, वो अपने रिजल्ट के कारण, अपने मैनेजमेंट की कमेंट्री के कारण और टेक्निकल फैक्टर्स के कारण चार्ट पर उसको मार झेलनी पड़ रही है। ये जो न्यूज़ हमारे सामने है, ये न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स के सहारे से थी। इन न्यूज़ के कारण यस बैंक के स्टॉक प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू मी। आप अपने हिसाब से अगर कुछ लगा रहे हो जोड़ जाड़ के कि राणा कपूर का घर इधर उधर, तो आप जोड़ सकते हो, बाकी इसके कारण कोई चार्ट पर असर नहीं पड़ रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी किए किराए पे यस बैंक ने पानी फेर दिया है, ऊपर गया नीचे आ गया, जिनका भी रेट मिल चुका था, क्या उनको यहाँ पर एवरेज करने के लिए? मैं कह सकता हूँ देखो, जिन लोगों का रेट यहीं था 14-15 रुपये के आसपास और जाकर 21 रुपये मार कर वापस आपका रेट दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपका डिसीजन गलत तो हो चुका है, लेकिन एवरेज अगर फिर से यहीं करोगे तो आपका रेट फिर से यहीं रह जाएगा। अब आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो यही हो सकता है कि ये वापस चला जाए 21 और आप वहाँ पर प्रॉफिट बुक करो या अपना डिसीजन जो भी वहाँ पर ले सकते हो। दूसरा भी बेस्ट केस सिनारियो आपके लिए हो सकता है कि ये गिरता ही रहे और ये यहाँ से कुछ 25-30% और गिर जाए। अब मैं ये वर्स्ट केस सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, जो मेरा एक प्यारा रेट आ जाएगा, खैर उसको इग्नोर करिए। अभी अगर ये यहाँ से गिरता है तो वहाँ पर आपको एवरेज करने की ज़रूरत है। बाकी आपको इस वक्त के सिनारियो में मैं भी वही कहूँगा कि मैं फिर भी तुमको चाहूँगा वाला गाना आपको सुन लेना चाहिए और अपने स्टॉक को पसंद करना चाहिए। देखो कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कह देता हूँ भाई, मैं ये नहीं करना चाहता कि आप लोगों को कहीं फंसा दूँ या व्यूज के चक्कर में कुछ भी बता दूँ, क्योंकि व्यूज के चक्कर में मेरे लिए भी बहुत आसान होता कि हाँ भाई खरीद लो, चीर फाड़ मचा दो, उसके बाद वीडियो डिलीट कर लो। ठीक, ऐसे भी करते हैं लोग, और ये इंडिया में मैं तो चाहता हूँ इस पर भी एक सख्त रेगुलेशन बनना चाहिए। कोई क्या बता रहा है, उसके पीछे की लॉजिक बता रहा है, और कम से कम फाइनेंशियल कंटेंट जब तक क्रिएटर के साथ कुछ इधर उधर ना हो वो डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आप क्या कर रहे हो, सामने वाले पब्लिक को एक बार के लिए सजेशन दे रहे हो। तो मैं सजेशन दे रहा हूँ, बाकी शुरुआत में तो सब कोई डिस्क्लेमर देते हैं, और समझिए यही डिस्क्लेमर क्रिएटर्स को या फिर टीवी वालों को, मीडिया वालों को जो आपको सलाह देते हैं उनको तो बचा लेगा, लेकिन आप लोग इसको, इसके पीछे की कहानी नहीं समझते हो, इसी से आप बर्बाद होते हो। इसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपको प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको, समझ रहे हो?
तो थोड़ा समझा करो, आगे बढ़ो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। यस बैंक चार्ट पर गिर रहा है, इसके पीछे का कारण मैंने बताया था 10,000 करोड़ की फंडिंग नेगेटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव साइड है, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, भले वो कह रहे हों कि हम खाता खोलना ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसको मैं पॉजिटिव रिजल्ट के सिनारियो में ही देखूंगा, लेकिन मैनेजमेंट ने एक बात जो दूसरी कही कि NPA जो है वो 20% के आसपास चला जाएगा, ये बहुत नेगेटिव न्यूज है। 10,000 करोड़ रुपये उठाया ही जा रहा है इसके लिए, इसीलिए चार्ट पर इतना बड़ा डेंट हमको देखने को मिला है। बाकी अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे, 4 दिन से बाजार भी गिर रही है, 5 दिन से बाजार भी गिर रही है, लेकिन उसके पहले भी यस बैंक कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा था। जब बाजार चल रही थी तो भी एक जगह रेंज में फंसा हुआ था, बस ये बहाना ढूंढ रहा था बाजार कब गिरे और हम भी बाजार के साथ नदी में छलांग लगा दें। होता है ना कि भाई बाजार बोली कि चलो चलते हैं नीचे, तो यस बैंक बोला हाँ हाँ चलो चलो नीचे चलते हैं, जब बाजार बोली थी आओ भाई ऊपर आओ हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं नहीं आप जाओ मैं यहाँ फिट हूँ एकदम तंदुरुस्त खा पी के यहाँ बैठा हुआ हूँ, कुछ इस तरीके की बात। अगर आप अन्य बैंकिंग स्टॉक्स को देखोगे तो कुछ बैंकिंग स्टॉक जैसे एक्सिस बैंक हो गए, ICICI बैंक हो गए, फेडरल बैंक हो गए, इवन IDBI बैंक भी आज बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा था, तो ये सब आज चले हुए हैं। इनमें से फेडरल बैंक हमारे 26 जनवरी वाले पोर्टफोलियो में भी था। तो यस बैंक पे अब मैं अपना फाइनल कंक्लूजन आपको दूंगा, क्योंकि जो क्वेरी सबसे ज़्यादा आई थी उस वो तो अभी मैंने ली नहीं, सबसे ज़्यादा क्वेरी उन लोगों की है जो इसमें लॉस में हैं और बड़े लॉस में हैं, जो लोग 15% 20% 25% तक के लॉस में हैं, उनका सवाल सबसे ज़्यादा आया है कि हमको क्या करना चाहिए। तो आपको अगर लगता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस ढूंढना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 13.25 रुपये से 13.75 रुपये तक, इस रेंज के अलावा आपके पास कोई बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस है नहीं। ठीक, अभी बात करते हैं 15 रुपये पे आपके पास क्या कोई चारा है, जी नहीं। अगर आप यहाँ पर भी एवरेज करना चाहते हो तो आपका एवरेज कहाँ पर आएगा, चलिए मान लेता हूँ आपका एवरेज आ जाता है 15% ऊपर 17-18 रुपये पे, और बहुत से 80% लोगों के पास फंड नहीं होता इतना कि वो हर जगह एवरेज कर लें, इसीलिए कम से कम आपको परफेक्ट एंट्री ढूंढनी चाहिए, परफेक्ट एंट्री, और जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है सेलिंग आपको सीखनी चाहिए। शुरुआत अच्छे स्टॉक्स को लेकर करिए, जैसे कि आज मैंने डाले 5 स्टॉक्स आप खरीद सकते हो इस गिरावट में, उन स्टॉक्स को देखिएगा, और मुझे नहीं पता कि बाजार यहाँ से 10% नीचे जाएगी या 10% ऊपर जाएगी, लेकिन अगर आप उनको यहाँ पर खरीद लोगे और बाजार अगर यहाँ से 10% नीचे जाएगी तो वो जो स्टॉक्स हैं हो सकता है बाजार के साथ भले 10% गिर जाएं, लेकिन बाजार जब वहाँ से 10% की रिकवरी दिखाएगी वो बाजार से 10% आगे रहेंगे, वो 15% की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, 16% की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और ये किन स्टॉक्स के साथ होता है, गुड क्वालिटी स्टॉक्स के साथ होता है, तो आपको उनमें हाथ आजमाना चाहिए। मैंने स्टॉक्स बताए हुए हैं, आप उनको जाकर एक बार के लिए देख जरूर सकते हो। अगर आप टेक्निकली बात करोगे तो यस बैंक में सपोर्ट अब कहाँ पर अवेलेबल है, तो 15 रुपये के लेवल पे मैं जो बात करने आया हूँ आपके सामने वो देखिएगा। 15 रुपये पे जब यस बैंक के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा था, तो यहाँ पर एक जब रेजिस्टेंस था इसका मतलब क्या है कि जब गिरावट होगी तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेना है, यानी कि अब यस बैंक में कोई बड़ी गिरावट हमको नहीं दिखती है, क्योंकि नीचे हर लेवल पे एक बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, 14.5 से 15 लेवल, 15 के लेवल में भी है, 14 से 14.5 में भी है, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सपोर्ट बताया वो भी अवेलेबल है। तो इन सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पर यस बैंक में सेलिंग नहीं बनती है, कम से कम टेक्निकल बेसिस पे। फंडामेंटली और मार्केट कैप के हिसाब से गिरावट दिखती है, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, वीडियो भी मैंने अटैच कर दी है, आई होप आपने उसको देखा होगा और समझने की कोशिश की होगी कि अब अगर गलती हो गई है तो बाजार में, बार बार कहता हूँ, आपकी कितनी भी क्वेरी आ जाए मैं अपनी चीज़ों को रिपीट करूँगा, और बाजार में यही सक्सेस का मंत्र भी है कि जो आता है उसको रिपीट करिए, जो आपको सजा देता है उसको छोड़ दीजिए, समझ रहे हो, जो आता है उसको रिपीट करिए। मैं आपसे बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, बाजार 100 का 100 आपसे ले सकती है ना भाई साहब, लेकिन 100 के बदले में आपको 200 देगी या 2000 देगी या 20000 देगी, ये आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। बाजार में आप सीख के आओगे ना तो 2000 क्या, 2 लाख क्या, 20 लाख, 25 लाख, 25 करोड़ तक भी देगी, बना कर देगी, लेकिन तब जब आप सीखोगे, समझने की कोशिश करोगे। बाकी हवा हवाई बातें तो पूरी दुनिया कर ही रही है, आप भी करते रहिए, 95% लोग लॉस ले रहे हैं, 95% लोग वीडियो देखेंगे चुपचाप सो जाएंगे, उनको क्या तकलीफ है, जो नहीं सोएंगे वो कुछ और काम करेंगे, लेकिन किसी भी अच्छी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, यही दिक्कत हो जाती है बाजार में। आई होप आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में, तब तक के लिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए, हम मिलेंगे फिर से, आपसे अभी अलविदा देते हैं, बाय बाय।